नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की पांच ऐसी वैरायटी के बारे में जो आज के समय में सबसे ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम है। और मेरे ख्याल से आज के समय में इनसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी कोई नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पांचों वैरायटी के बारे में जानेंगे, साथ ही बात करेंगे ये कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, किन किन क्षेत्रों में आप इनकी बुआई कर सकते हैं, औसत उपज क्या है इनकी, पौधे की ऊंचाई कितनी है और कितने दिनों में ये पककर तैयार हो जाती है, साथ ही बात करेंगे ये किन किन रोगों के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट है। तो नंबर वन की वैरायटी है हमारी DBW 303। इसे करण वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। DBW 303 को 2021 में नोटिफाई किया गया। इस वैरायटी को आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, राजस्थान में कोटा और उदयपुर को छोड़कर, उत्तर प्रदेश में झांसी डिवीज़न को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में जम्मू और कठुआ ज़िले में इसकी बुआई कर सकते हैं, साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये वैरायटी एक अगेती किस्म है। इसकी बुआई आप 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक कर दें। हालांकि इसके बाद अगर आप बुआई करते हैं तो कुछ कल्ले कम बनते हैं। औसत उपज की बात करें तो 81.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ज़्यादा से ज़्यादा ये वैरायटी 97.4 क्विंटल हेक्टेयर तक की पैदावार देने में सक्षम है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 101 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई है। ये वैरायटी 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में प्रोटीन 12 PPM, जिंक 42 PPM और आयरन 43 PPM है। अब बात करते हैं ये किन किन रोगों के अगेंस्ट ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंट है। तो गेहूं के प्रमुख रोग जैसे ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और पाउडरी मिल्डू के अगेंस्ट ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंट वैरायटी है। नंबर दो की वैरायटी हमारी DBW 187, जिसे करण बदना के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी को हमारे किसानों के लिए 2019 में नोटिफाई किया गया था। अगर बुआई क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कठुआ ज़िले में, हिमाचल प्रदेश में ऊना और पोंटा घाटी में इसकी बुआई कर सकते हैं, साथ ही उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात व छत्तीसगढ़ में इसकी बुआई कर सकते हैं। इस वैरायटी की औसत उपज 75.2 क्विंटल हेक्टेयर है, जबकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 96.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देने में सक्षम है। पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर रहती है। पकने की अवधि की बात करें तो 158 से 160 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। ये वैरायटी येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट के अगेंस्ट ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंट वैरायटी है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी बात कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 96.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार देने में सक्षम है और इस वैरायटी में 1000 दानों का वजन 47 ग्राम रहता है। ये वैरायटी भी अगेती बुआई के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी की बुआई आप 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक कर दें। नंबर तीन की वैरायटी है हमारी DBW 222, जिसे करण नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी की बुआई आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कोटा और उदयपुर मंडल को छोड़कर, उत्तर प्रदेश में झांसी मंडल को छोड़कर, साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला और पोंटा घाटी में इसकी बुआई कर सकते हैं, साथ ही उत्तराखंड के कुछ तराई क्षेत्र, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल व झारखंड में इसकी बुआई कर सकते हैं। इस वैरायटी में औसत उपज की बात करें तो 61.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि ये वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा 82.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार देने में सक्षम है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 103 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई है। पकने की अवधि की बात करें तो 143 से 150 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में 1000 दानों का वजन लगभग 42 ग्राम आता है। ये वैरायटी येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और पाउडरी मिल्डू के अगेंस्ट ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंट वैरायटी है। इस वैरायटी का तना मजबूत होने के कारण फसल गिरती नहीं है। इस वैरायटी को 2020 में किसानों के लिए नोटिफाई किया गया था। इस वैरायटी की बुआई आप 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक कर सकते हैं। चौथे नंबर की वैरायटी है हमारी DBW 327। इस वैरायटी को 2021 में किसानों के लिए नोटिफाई किया गया। इस किस्म की बुआई आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, राजस्थान में कोटा और उदयपुर डिवीज़न को छोड़कर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी डिवीज़न को छोड़कर, जम्मू कश्मीर और जम्मू के कठुआ ज़िले में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप ऊना ज़िला और पावंटा घाटी में इसकी बुआई कर सकते हैं और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी की औसत उपज 79.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि HD 2967 से 35% ज़्यादा है, जबकि HD 3086 से 13.6% अधिक है। ये वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा 87.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार देने में सक्षम है। साथ ही ये वैरायटी उच्च तापमान एवं सूखे के प्रति ज़बरदस्त रेजिस्टेंट वैरायटी है। साथ ही ये वैरायटी ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू, जो गेहूं के प्रमुख रोग हैं, इनके अगेंस्ट ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये वैरायटी 153 से 156 दिन में पककर तैयार हो जाती है।
पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 95 से लेकर 101 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई है। इस वैरायटी में 1000 दानों का वजन 47 से 48 ग्राम आता है। साथ ही ये किस्म गेहूं के कई उत्पादों के लिए एक बहुत अच्छी किस्म है। नंबर 5 की वैरायटी है हमारी DBW 332। इस किस्म को किसानों के लिए 2021 में नोटिफाई किया गया। इस वैरायटी की बुआई आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में कोटा और उदयपुर डिवीज़न को छोड़कर और उत्तर प्रदेश में झांसी डिवीज़न को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में आप जम्मू और कठुआ ज़िले में इसकी बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप ऊना ज़िला और पावंटा घाटी में इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड के कुछ तराई क्षेत्रों के लिए ये सबसे अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी की औसत उपज 78.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो 2967 से 31.3% ज़्यादा है। साथ ही HD 3086 से 12% अधिक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वैरायटी 83 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की अधिक पैदावार दे सकती है। ये वैरायटी येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट के अगेंस्ट ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंट वैरायटी है। कितने दिनों में ये पककर तैयार हो जाती है? तो ये वैरायटी 153 से 159 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 96 से लेकर 98 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई है। 1000 दानों का वजन लगभग 45 से 47 ग्राम आता है। इस वैरायटी की बुआई आप 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही आज के समय में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली 5 वैरायटी। ये पांचों वैरायटी अगेती किस्म है और इन पांचों वैरायटी की बुआई आप 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक कर दें। इसके बाद हमें कुछ कल्ले कम देखने के साथ पैदावार भी कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।